नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में मार्च महीने में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। यहां लगभग 10 से ज्यादा जिलों में कोरोना विस्फोट हो रहा है। प्रदेश में महज 10 दिनों में 7,295 कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं, यानी रोजाना औसत 700 लोग संक्रमित हो रहे हैं। इनके बीच राहत की ये बात है कि पिछले 7 दिन बाद कोरोना की रफ्तार कम हुई है। मंगलवार को 665 केस सामने आए हैं। जयपुर में भी पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई। यहाँ मंगलवार को 74 केस मिले। पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक 2,813 लोग कोरोना संक्रमित की वजह से जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,72,243 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 3,21,275 लोग रिकवर भी हुए हैं। लेकिन अभी भी राजस्थान में 8,155 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस है। राजस्थान में मंगलवार को सामने आए 665 केस में अब सबसे ज़्यादा 121 कोरोना पॉजिटिव केस जोधपुर और जयपुर में 74 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अजमेर में 18, अलवर में 3, बांसवाड़ा में 18, बारा में 20, बाड़मेर में 7, भरतपुर में 12, भीलवाड़ा में 37, बीकानेर में 9, बूंदी में 6, चित्तौड़गढ़ में 14, चूरू और दौसा में 0, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 64, श्रीगंगानगर में 15, हनुमानगढ़ में 0, जैसलमेर में 2, जालौर में 0, झालावाड़ में 10, झुंझुनू में 3, करौली में 0, कोटा में 61, नागौर में 15, पाली में 6, प्रतापगढ़ में 4, राजसमंद में 0, सवाईमाधोपुर में 21, सीकर में 23, वहीं सिरोही में 27, टोंक में 1 और उदयपुर में 53 केस सामने आए हैं। राजस्थान में सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों के लिए अंतिम दिन मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान दोनों ही प्रमुख दलों ने तीनों जगह नामांकन सभाएं की, मगर इस दौरान पोस्टर की राजनीति भी नजर आई। गुज्जर बहुल्य सुजानगढ़ में आखिरी वक्त में मंच पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की फोटो लगाई गई। वहीं सुजानगढ़ में भी भाजपा के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद रही। बता दें कि मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अंतिम तिथि तक तीनों सीटों के लिए कुल 53 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए। सबसे ज्यादा 25 नामांकन सहाड़ा में भरे गए। राजसमंद में 17 उम्मीदवारों ने 24 और सुजानगढ़ में 15 उम्मीदवारों 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सभी नामांकन पत्रों की बुधवार को जांच होगी, जबकि 3 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से साय 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान 2 मई को होगा। कोरोना के संक्रमण राज्य सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते अब बाहर से आने वाले लोगों को अपनी रिपोर्ट करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। जिसके चलते संभाग के आयुक्त राजेश शर्मा के पाली आगमन के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार हाल ही में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं एयरपोर्ट पर बाहर आने वाले प्रवासियों की जांच कर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार के सहयोग में मीडिया का भी सहयोग मांगा है। साथ ही बताया कि रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। इस रिपोर्ट के बाद ही प्रवासियों को नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा महकमा भी सतर्क होकर समय समय पर जांच करने में लगा है। बढ़ते कोरोना महामारी में जिला प्रशासन और चिकित्सा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और सतर्कता के साथ संतोष जाहिर किया। मास्क अनिवार्यता और कोरोना बचाव जन जागरूकता अभियान के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना भी की गई है। राजस्थान स्थापना दिवस को लेकर जिला मुख्यालय पर कई कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए, जिसके चलते पुराना बस स्टैंड बांगर म्यूजियम में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी का संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा एवं जिला कलेक्टर अंशदीप ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद परिसर में राजस्थानी परिवेश में बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने सराहना भी की है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजित कार्यक्रम में राजस्थानी परिवेश धारण किए हुए महिलाओं बालिकाओं ने लोकगीत गाकर राजस्थान की महिमा का बखान किया।
वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन कलाकारों का आभार भी जताया। आज राजस्थान दिवस पर जिला मुख्यालय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।